वाह यार, क्या मस्त तरीके से जूते टपकाए हैं। आखिर प्लान किसका था? हाँ यार, प्लान तो बड़ा ही मस्त था। वैसे तुझे क्या लगता है, जीजा जी जूतों के कितने पैसे देंगे? मेरे हिसाब से तो लगता है 21,000 शगुन के तो दे ही देंगे। यार 21,000 बहुत कम ही हो जाएंगे, 51,000 मांगते हैं ना। यार फिर तो वैसे देखा जाए तो दीदी हमारे बहुत अमीर घर में जा रही हैं, तो 51,000 तो बनते हैं। नहीं यार, वैसे तो हमें 1.5 लाख मांगने चाहिए। नहीं नहीं यार, 1.5 लाख ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल लूट के भी नहीं खाना ना। 51,000 ठीक है, देख उसमें हमारी ड्रेस का खर्चा भी निकल जाएगा, हमारी ज्वेलरी का खर्चा भी निकल जाएगा और पार्लर मेकअप वेकअप निकल ही जाएगा। ठीक है ठीक है, 51,000 ठीक है। देख 25,000 तेरे, 25,000 मेरे। ओए 25,000 कैसे, 25,500 मेरे, 25,500 तेरे। 1,000 रुपए क्यों खा गई तू? अरे तो जूते चुराने का प्लान तो मेरा था ना। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो 50-50 होंगे ना ब्रो। अच्छा ठीक है, 1,000 रुपए के लिए बहस मत कर। ठीक है 25,500 तेरे, 25,500 मेरे। बट हाँ एक बात तो है, जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरे पति के भी जूते चुराऊंगी। तो तुझे क्या लगता है, तेरे पति को छोड़ दूंगी क्या? लूट के खाऊंगी, लूट के। हक है मेरा। नहीं बेटा, मैं ना बहुत शातिर हूँ, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं पहले से ही अपने पति को बोल के रखूंगी कि 2 जूते लेकर आए। अच्छा क्या तूने बता दिया, अब मैं दोनों चुराऊंगी। 3 जूते लेकर आए तो मैं 3 चुरा लूंगी। मैं बोलूंगी बहुत सारे जूते लेकर आए। अच्छा छोड़ ना, अभी हमारी शादी का नंबर आने तो दे, पता नहीं कब होनी है। अभी जिनके जूते चुराए ना इसके बारे में सोचते हैं। हाँ तो एक काम करते हैं, एक तू छुपा एक मैं छुपाती हूँ। मैं इधर जाऊंगी तू उधर जा, दोनों अगर एक दिखा रखेंगे ना तो मिल सकते हैं। अलग अलग छुपाते हैं। ठीक है बाय। तू होगी बंटू टू, ओ कुड़िए बंटू टू, ओ हो गई मुंडे दी। तो ये देखिए मैडम, ये वाला लहंगा कितना सुंदर है, लाल कलर। पहन के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? फुल लेंथ है सबसे बड़ी बात, और इसमें जो आप देख रहे हो कितना अच्छा काम हो रखा है, सारा हैंडमेड है। अरे छोटू इधर आ यार, इसको पकड़िए पीछे से। फुल लेंथ है, दुपट्टा भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए मैडम, ये है इसकी चुन्नी। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो, अच्छा, और ऐसे भी ले सकते हो। इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है ना, आपको जो देखेगा तारीफ करेगा तारीफ। और ऐसे भी ले सकते हो, ये देखो। और जब आप इसको ऐसे पहन के चलोगी तो मैडम बहुत सुंदर लगोगी। बताइए कैसा लगा लहंगा? इसकी क्वालिटी तो मैडम 1 नंबर है, A1, बहुत बिकता है हमारी शॉप पे। हाँ भैया, ये लहंगा आप पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन इस पर नहीं लगेगा, इसलिए कोई और दिखाओ। अच्छा एक और है, एक पीस और है, इतना मस्त है ना आप देख के खुश हो जाओगे। छोड़ू छोड़ दे, इतना प्यारा कलर दिखाने वाला हूं ना आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप लेके ही जाओगे मैडम। तो ये देखिए मैडम, पिंक कलर, सबसे प्यारा कलर। अच्छा लगा? नहीं भैया ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कुछ और दिखाओ। भैया ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा बेकार है, कुछ और दिखाओ। पर मैडम ये भी अच्छा है, आपकी बेटी पे ये भी अच्छा लगेगा, और रेड वाला तो था ही अच्छा। भैया मेरी बेटी है, मुझे पता है ना क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, कुछ और दिखाओ भैया। चलिए रुकिए, एक शानदार पीस और दिखाता हूँ, शायद आप वो ले ही लोगे। हाँ वो वाला भैया, वो वाला जी मैडम ये। हाँ ओहो मैडम आपकी नजर तो शानदार है। ये देखिए मैडम, मेहरून कलर और ऊपर से इस पे ये गोल्डन वर्क। छोटू आ जा बेटा, ये पकड़, ये इनको समझ आ जाएगा। ये देखो आप एकदम इसमें रानी लगोगी रानी। दुपट्टा दिखाता हूँ, इसका कलर कंट्रास्ट देखो कितना प्यारा है, मेहरून के साथ पिंक कलर। इसको आप चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, और चाहे ऐसे लो, ऐसे शर्माओगी और आपके पति देव सोचो आपको देख के पिघल जाएंगे। भैया फील क्यों ले रहे हो, लहंगा दिखाओ ना। हाँ जी मैडम दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। अरे सिब्बू बेटा कुछ तो पसंद कर लो,
थोड़ी सी देर में तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारा मामा बना दिया, और तुम हो अभी तक एक लहंगा नहीं पसंद कर पा रही हो। अरे भैया तो आप फालतू की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो, आप लहंगा दिखाओ ना। आप ही बताओ अब आपको कैसा लहंगा चाहिए बेटा? मुझे ना भैया बिल्कुल वैसा लहंगा चाहिए जैसे दीपिका ने अपनी शादी में पहना था रेड कलर का, और जैसे कैटरीना ने वो गोल्डन वाला पहना था वैसा, उसका मिक्स कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो ना तो वो दिखाओ, ताकि जैसे ही दूल्हा मुझे देखे और वो रोने लग जाए। देखिए मैडम, ना ही मैं मनीष मल्होत्रा हूँ और ना ही आप कैटरीना कैफ, इसलिए थोड़ा अपने बजट में देख लो। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, ये बजट की बात कहाँ से आ गई? हमने अभी तक बजट की बात की, और मेरी बेटी ना कैटरीना से भी ज्यादा सुंदर है, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप ना रहने दो, आप नहीं दिखा पाओगे मैं लहंगा, बहुत शोरूम है यहाँ, कहीं और से ले लेंगे। चल बेटा चल। मम्मी ले लेते हैं ना, क्या हो गया? बेटा कितनी बेइज्जती कर रहे हो, तुझे यहाँ से लहंगा लेना है? चल बेटा मैं कहीं और से देखो अच्छा सा लहंगा दिला दूंगी। चल चल, मम्मी रेड वाला सुंदर लग रहा है। अरे चल ना बेटा, बेटा तू भी आ जा। अच्छा अच्छा, बहुत बदतमीजी दिखा रहा भैया, ऐसे नहीं दिला पाओगे किसी को लहंगा। जा छोटू यार, साला टाइम वेस्ट करके रख दिया, इन औरतों के ना सर में दर्द कर रखा है, दुकान ही बंद करूंगा साली। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अरे यार मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ रह गए, घर से निकले भी हो या नहीं निकले? यार मैं पिछले 3 घंटे से रेडी होकर बैठी हूँ और तुम हो कि अभी तक आए भी नहीं। यार क्या मतलब है रास्ते में हूँ? और ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो कि मैं रास्ता भटक गया? वैसे तो पहले घर के बड़े चक्कर लगाते रहते थे, आज तुम रास्ता भटक गए। यार मैं भी किसके चक्कर में पड़ गई? इनको चुप कराओ, ये बैंड बाजा वाले इतना बजा रहे हैं यार, तुम्हारी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। यार क्या बोल रहे हो? हेलो, देखो अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो सुनो, जो भी कहना है तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओहो हीरोइन बड़ी सुंदर लग रही है यार। यार क्या खाक सुंदर लग रही हूँ, एक तो ये दुपट्टा सर के जा रहा है, सर पे टिक नहीं रखा, 40 पिन लगा रखी है इस पार्लर वाली ने, और ये गले का इतना चुभ रहा है और इतना भारी भरकम लहंगा, एकदम स्ट्रेस हो गई हूँ मैं। अरे यार शादी में तो ऐसा होता ही है, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? यार टेंशन तो होगी ना, एक तो शादी पहली बार हो रही है मेरी, कौन सा मेरे को एक्सपीरियंस है, इतना टेंशन हो रहा है, और टेंशन के मारे देख रही इतना मोटा पिंपल आ गया है मेरे मुंह पे। पिंपल तो होना ही है, खामखा का स्ट्रेस लिए जा रही है। वैसे भी तूने अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने में ना पूरा पूरा 1 महीना लगाया था, सुंदर तो तूने लगना ही है, मैं कह रही हूँ ना टेंशन मत ले। चल यार अब तू बोल रही है तो थोड़ा मेरे को रिलैक्स सा फील हो रहा है। चल थैंक यू यार तू आ गई, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो ना मेरे को टेंशन और स्ट्रेस से ना एकदम भूख लग रही है ना, इतनी ज्यादा भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ क्या मिल जाए मुझे, क्या खा लूँ मैं? अच्छा सुन ना, तू तो नीचे बैंक्वेट में ही थी ना, तो कुछ अच्छा है क्या खाने के लिए? तो बहुत तेज भूख लग रही है। यार क्या बात कर रही है, तेरे पापा ने सारी डिशेज रखवाई हैं, एक भी ऐसी डिश नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो, तेरे पूरे खानदान में ना इतनी लग्जूरियस वेडिंग किसी की नहीं हुई होगी। हाय, अरे यार मेरे पापा तो इतनी लग्जरी शादी करेंगे, आखिर उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। अच्छा सर मुझे ना बहुत तेज से भूख लग रही है, एक काम कर, वो आलू टिक्की होगी क्या? हाँ हाँ टिक्की है ना, मंगवा दो। हाँ मंगवा दे, ठीक है। नहीं 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 आलू टिक्की नहीं यार, वो क्या है ना देख, आज के दिन मेरी शादी है, कमर थोड़ी पतली लगनी चाहिए ना, अभी मैं आलू टिक्की खा लूंगी तो मेरा पेट डब से फूल आएगा। हाँ। एक काम कर, मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन मंगवा दे। ठीक है। नहीं, गुलाब जामुन भी नहीं यार, मीठा खाने से तो वैसे ही वजन ज्यादा बढ़ता है, गुलाब जामुन भी नहीं। जलेबियां होगी? अरे नहीं यार, जलेबियां भी तो मीठी होती हैं। एक काम करना, नूडल्स खा ले। पर यार वो भी तो मैदे का ही होता है ना। अरे यार इन शादियों में पता नहीं डाइट का खाना क्यों नहीं होता। है ना डाइट वाला खाना, पानी पी ले। हाँ यार तू पानी मंगवा दे, पानी पी लूंगी। वेटर एक ग्लास पानी लाना। अब देख तेरे पानी मंगवा दिया है, बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ कर दे अपना, लंबी सांस ले, गहरी सांस ले, और वैसे भी अब टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का वक्त है। पूछ किसको? किसको? अपनी सास को। ये नहीं कि तेरी लव मैरिज हो रही है तो कल से मम्मी जी करके घूमती रहे। देख अपनी सास के ऊपर ना पूरा चढ़ के रही हो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ना लव मैरिज हुई, 3-4 दिन उसने खूब मम्मी जी में ये कर दूं, मम्मी जी में वो कर दूं, तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? उसकी सास उसके ऊपर ही चढ़ गई, सारा दिन उससे नौकरानियों की तरह काम कराती रहती थी, और उसका पति वो तो पूरा का पूरा मम्मास बॉय निकला। अरे यार कभी ये भी ऐसा ना निकले। हाँ तभी कह रही हूँ, अब क्या होगा, अब आज तेरी शादी हो रही है, कल तेरी सुहागरात होगी, तो सुहागरात के दिन तेरा पति तुझसे पानी का ग्लास मांगेगा,
तुझे नहीं देना। पर क्यों यार, वो तो मेरा पति है और वैसे भी पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, पानी तो मैं उसे पिला ही सकती हूँ। ओ पति की बच्ची, ज्यादा पति की चमचागिरी मत कर, समझ गई? दो चार दिन अगर उससे दब गई ना, पूरी जिंदगी तपती रह जाएगी। बदले में तू उससे पानी मांगेगी, फिर देखियो कि वो तेरा कितना पति और वो तुझे पानी देता है या नहीं देता, समझी? अगर पहले दिन ही दब गई ना तो जिंदगी भर दबना पड़ जाएगा। अच्छा, पर यार मेरी तो लव मैरिज हो रही है ना। अरे यार बोली, जितना समझा रही हूँ ना उतना समझ ले। और हाँ, तेरी वो ननद है ना जो मैरिड है, देख आज शादी में आई है, ज्यादा से ज्यादा ना उसे कल तक टिकने दियो, परसों कर दियो उसको घर रवाना। ये ना हो कि रोज के रोज तेरे घर आई जा रही है। सोच, अगर वो रोज तेरे घर आएगी तो तेरी सास को तेरे खिलाफ भड़काएगी, तेरे पति को तेरे खिलाफ भड़काएगी, फिर पूरा घर तेरे खिलाफ हो जाएगा। सोच सोच। फिर डाइवोर्स? ठीक है यार, ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ गुड। पर यार ये लहंगा पहनने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने हरामजादे को कहा ही था कि यार लव मैरिज कर रहे हैं तो कोर्ट में जाके कर लेते हैं, दो मालाएं और दो विटनेस लगने हैं, पता नहीं इसको ताम झाम करने की, अपने रिश्तेदारों में हवाबाजी करने की क्या जरूरत थी। मेरे को तो यहाँ भारी भरकम लहंगा पहना के बिठा दिया है और खुद आ गया होगा पैंट टी शर्ट में, आराम से बैठेगा और अब मैं इस भारी भरकम लहंगे को पहन के पूरी रात झेलती रहूं। अरे यार तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है, तू बहुत सुंदर लग रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा ख्याल रखूंगी पूरा, टेंशन मत ले। अब स्ट्रेस मत ले ज्यादा, ठीक है? पानी आ रहा है। कहां मर गया ये वेटर? वेटर यार, ये मेरी शादी करने का डिसीजन सही तो है ना? भाभी जी, भाभी जी देखना उसको कैसे दोनों फुदक रही हैं। और क्रॉप टॉप तो देखो, मतलब इतने इतनी सर्दी में दिसंबर के महीने में क्रॉप टॉप कौन पहनता है? और देखना स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा है, कपड़े पहनने के तो बिल्कुल संस्कार ही नहीं है। हमें देख लो कपड़े कैसे पहने जाते हैं, पूरे ढक के पहने हैं। अब क्या करें मिकी की मम्मी, ये वो जमाना नहीं रह गया हमारे वाला। अरे भाभी जी, मैंने इनको बोला था कि मेरा भांजा है उनसे इसकी शादी करा दो, पर पता नहीं इनको क्या दिख गया इन दिल्ली वालों में, यहाँ लाके इनकी शादी करा दी, वो भी इतनी दूर। अब मिकी की मम्मी छोड़ो, हमें क्या? अरे भाभी जी क्या छोड़ो, आपको पता नहीं है क्या इनके बारे में? आपको मैं क्या क्या बता दूं? ये जो आज की शादी कर रही है ना, इससे शादी से पहले तो मैंने इसको इससे 4-5 बार मिलते हुए देखा है मेरी जानकारी में, और मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं कितनी बारी मिली होगी। मिकी की मम्मी, ये ना हमारा वाला जमाना नहीं है कि माँ बाप ने कह दिया शादी कर लो तो बस कर ली, ना लड़का देखा ना उसकी तस्वीर देखी, क्या बताएं भाभी जी। और वैसे भी इन लड़कियों के चाल चलन तो ना बिल्कुल ठीक नहीं है। बताओ, शादी से पहले तो ये गुलछर्रे उड़ाएंगी और शादी के बाद डाइवोर्स ले लेंगी। अरे मिक्की की मम्मी, हमारे जमाने में तो डाइवोर्स नाम का शब्द भी नहीं होता था, एक बार घर के अंदर डाइवोर्स बोल तो पूरा परिवार घर पे आ जाता था। अब क्या कर सकते हैं भाभी जी, हमारे टाइम वाला जमाना नहीं रहा अब, आजकल की लड़कियां ना बहुत तेज हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं, और इनके तो वैसे भी चाल चलन ठीक नहीं है। इनके क्या, आजकल की सारी लड़कियों के चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे जैसे संस्कार नहीं रहे हैं भाभी जी इनके अंदर। छोड़ो, इनकी तो हम क्या ही बुराई करें, किसी की बुराई करना ना हमें शोभा नहीं देता। मेरे से तो होता भी नहीं है मिक्की की मम्मी, छोड़ो हमें क्या करना। हमें क्या करना, भाड़ में जाए, ससुराल जाती है डाइवोर्स ले लेगी, हमें क्या। अच्छा भाभी जी, आप ये बताओ कि आप शादी में शगन कितना डाल रहे हो? मिक्की की मम्मी, मैं तो ना 1101 रुपए डालने का सोच रही हूँ। अरे भाभी जी डूब मरो आप, अरे 1001 रुपए कोई शगन में डालता है? अरे मैं तो कहती हूँ 200 रुपए डाल के छुट्टी मारो यार। अरे नहीं नहीं, ये मेरी ननद की शादी में आए थे ना तो इन्होंने 1100 रुपए का सगन डाला था, अब ऐसे ठीक नहीं लगता ना कि मैं 200 रुपए इनके मुंह पे मार दूं। हाय राम राम राम। अरे भाभी आप कितनी भोली हो, पूरी दुनिया अगर कुएं में जाके कूदेगी तो आप भी जाके कुएं में छलांग लगा लोगे क्या? अरे भाभी जी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, इतने पैसे नहीं खर्च करते आप, अपनी ननद की शादी का इंतजाम भी तो देखो, कितना बढ़िया कर रखा था, क्या डेकोरेशन थी, क्या खाना था, और यहाँ देखो सबका सब बकवास, खुली छत के नीचे तो शादी कर रहे हैं, एक बैंक्वेट तक तो बुक नहीं किया और कोल्ड ड्रिंक में तो पानी मिला रखा है, आ रहा है कोई टेस्ट? हाँ नहीं, चलो भाभी जी मैं ना सोचती हूँ। अभी भी आप सोचोगे? मैं कह रही हूँ 200 डाल दो, ज्यादा मत सोचो, मैं तो 200 रुपए ही डाल दूंगी, वैसे 200 रुपए भी मुझे ज्यादा लग रहे हैं, 11 रुपए डाल दूंगी मैं। ठीक है, मैं ना इनसे बात करती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
को वो देख, जीजू आ गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जीजू आ गए, जीजू आ गए। चल 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 जीजू के पास चलते हैं। जीजू 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 जीजू। हेलो ऐश्वर्या। हेलो सिब्बू, कैसे हो तुम दोनों? जीजू हम तो बहुत ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? जीजू आपको पता है हमने ना दीदी से ज्यादा आपको मिस किया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जीजू अब मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ आप दीदी से शादी के चक्कर में पड़े हो, उन्हें छोड़ो ना, आप एक काम करो, आप मुझसे शादी कर लो। सोच तो मैं भी वही रहा हूँ। है जीजू। अच्छा ये छोड़ो, अंदर नहीं जाना क्या? नहीं जीजू, देखो अंदर जाने की तो ना फीस लगेगी। फीस? अच्छा बताओ कितनी फीस चाहिए तुम दोनों को? बस 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? लेकिन ये बताओ 1.5 लाख का तुम दोनों करोगे क्या? जीजू देखो ना, 1.5 लाख में तो क्या क्या आ सकता है, जारा गुची के कपड़े, नाइकी के जूते और तनिष्क की ज्वेलरी। जीजू आप देखो ना, आप हमें पैसे दे दो वरना हम ना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। चलेगा जीजू, चलेगा चलेगा। एक मिनट, हाँ ये लो, ये कितना है? 50। एक मिनट, ये लो, और ये कितना है? 1,000। हो गया ना 50,000। हाँ चाची अभी आता हूँ। हाँ जीजू, जीजू ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, जीजू बहुत गंदे हैं। कड़ूस कहीं का, जा कर ले चाहती हो, जा। अरे यार 6 बज गए, 7 बजे तो बारात भी आ जाएगी, और ये सिब्बू पता नहीं था टाइम क्यों लगा रही है, जाके देखता हूँ। सिब्बू, सिब्बू यार कितनी देर हो गई तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, एक बार बारात निकल गई ना तो मैं नागिन नाच कैसे करूंगा। हाँ हाँ आ गई, बस 5 मिनट और। ठीक है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। यार सिब्बू तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? यार तुमको बोला ना बस 5 मिनट और। क्या वो 5 मिनट ना तुम्हारा 1 घंटे पहले हो चुका था? हाँ बाबा समझ गई, बस आती हूँ 5 मिनट। ठीक है एक काम करता हूँ, जब तक ये रेडी हो रही है तब तक टीवी देख लेता हूँ। So we're underway. Faruqi gets us off and running here at the Sydney Showgrounds. I thought it was the play-by-play guy that wore that shirt. There's a boundary for Matt Short coming off 84 in Adelaide, and that one might go for 4 legs. बच गए, इसने मुझे उठाया क्यों नहीं? यार सिब्बू सुबह हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ हाँ बस ये लास्ट, ये लो हो गई मैं रेडी, चले अब। एक काम करो तुम ही जाओ शादी में, मेरा तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया है, मुझे नहीं जाना शादी वादी में। अरे यार जब शादी में जाना ही नहीं था तो मुझे रेडी क्यों करवाया? लो अब फिर से पूरा मेकअप रिमूव करो। आई तो गो क्रेजी के जब बज दे पंजाबी वेडिंग सॉन्ग। हे क्यूटीज,
गाइस, आई होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा और मैंने भी बहुत इंजॉय किया शूट करते टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर भी करना क्योंकि शादियों का सीजन तो चल ही रहा है आपको पता है, तो शेयर दबा के करना। ठीक है, बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।